कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि 56 इंच का सीना होने का दावा करने वाले मोदी किसानों का कर्ज माफ करके दिखाएं। राहुल ने यहां एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, वह सिर्फ वादा करते हैं, हम काम करेंगे। युवा को रोजगार देने का वादा भी फेल हो गया, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। अगर मोदी का सीना वाकई 56 इंच का है तो किसानों का कर्ज माफ कर दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ की राजनीति करते हैं। वह उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें कर्ज माफी करना है तो अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर कर्ज माफ कर दम। इसके लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना जरूरी नहीं है। वह जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां उल्टी सीधी बातें करते हैं। विदेश भाग गए पंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया, वहीं नोटबंदी कर किसान मजदूर और नौजवानों को लाइन में खड़ा कर दिया। जो व्यक्ति गंगा माँ का सौदा करे वह जनता का हित क्या करेगा? मोदी पर नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश को नफरत का राज्य नहीं बनने देंगे। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर नौजवानों को रोजगार और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की सुविधा दी जाएगी, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।